हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो भाई कल भी यहाँ पे डबल हेडर, यानी कल संडे है तो डबल हेडर दो मैचेस खेले जाएंगे। जो पहला मैच राजस्थान रॉयल वर्सेस आपका लखनऊ यानी LSG दोनों टीम्स के बीच में खेला जाने वाला है। भाई इस मैच में आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बताऊंगा सारी एक एक चीज। कौन सा प्लेयर बैट फर्स्ट में लेना, कौन बैट सेकंड में लेना, कब किसको रखना है, ऑलराउंडर से या बॉलर से, किस सेक्शन से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लेने हैं, प्लस चार विकेट की पांच विकेट कीपर है, इन पांच में से किसको कैसे लेना है, तो सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। जॉस बटलर, क्या नाम आपका, निकोलस पुरन, संजू सैमसन, भाई इनको लेने की सोच रहे हो, प्लस यहां से कौन सा कैसा है, मतलब जितना भी आपका टोटल ग्रैनिक बनाने के लिए मटेरियल चाहिए वो सब कुछ आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखते रहना ताकि आपको आइडिया लग सके कैसे आपको टीम्स बनानी है। तो भाई जो भी वैल्यू हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की वीडियो रेगुलर मिले, बाकी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई राजस्थान रॉयल्स और यहाँ पे LSG पर इस ग्राउंड पे देखो कहां पे खेला जा रहा है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला जाने वाला है, ठीक है। दिन का मैच रहेगा, स्पिन गेम में आने वाला है, ध्यान रखना कौन सा कब आएगा वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस ग्राउंड पर टोटल मैचेस देखो तो 52 मैचेस खेले गए, ठीक है, जिनमें से 18 बैट फर्स्ट और 34 बैट सेकंड जीती है। तो कहीं ना कहीं जो टीम टॉस जीतेगी बॉलिंग करना पसंद करेगी, और टाई यहां पे एक भी नहीं हुआ है। बाकी इस ग्राउंड का स्कोरिंग पैटर्न देखो, कहां तक स्कोर बनेगा, कैसे स्कोर बनेगा, उसी स्कोर को फोकस करते हुए अपनी टीम बनाना। 150 तक 16 बार बना हुआ है और 170 तक 19 बार बना हुआ है, यही दो स्कोर है। 150 से लेकर 70 तक का स्कोर बनेगा और सबसे ज्यादा विकेट्स भी आपको इसमें दिखने वाली है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। बाकी 190 तक भी 9 बार गया हुआ है और 190 प्लस भी 8 बार गया हुआ, पर लगता नहीं मुझे इस मैच में इतना जाएगा स्कोर, तो 170 तक का आप स्कोर मान सकते हो। टोटल लास्ट के 10 मैचेस में देखें विकेट्स की बात की जाए तो भाई लास्ट मैच में पे 62 विकेट मिले स्पिनर्स पेसर्स को और 52 विकेट है स्पिनर्स के पास, यानी पेसर भी गेम में है, स्पिनर्स भी गेम में है। तो अब इग्नोर कब किसको कैसे करना वो आपको बताऊंगा, उम्मीद करता हूं यहां तक वीडियो से हेल्प हुई हो। अब चलिए बात करते हैं इनका हेड टू हेड मामला। हेड टू हेड देखो तो 3 मैचेस हुए, ज्यादा हुए नहीं है, 2 यहां पे ये जीते हैं राजस्थान वाले और 1 मैच यहां पर लखनऊ वाले जीते हैं। राजस्थान वाले ने इस बार राजस्थान से ज्यादा बेटर टीम मुझे लखनऊ की लग रही है, कैसे प्लेयर्स कौन कौन से रहने वाले वो बताऊंगा। बाकी ट्रम्प कार्ड फिक्स प्लेयर ये जरूर देख के जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। एक एक सेक्शन कंप्लीट करूंगा भाई, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, चारों सेक्शन आपको मिलने वाले हैं। कैसे कंप्लीट करना है, किसको कैसे रखना है, और यहां तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना। अब देखो विकेट कीपर सेक्शन में 4-5 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं अगर खेलते हैं तो, मेरे हिसाब से प्लेइंग लिस्ट यही होनी चाहिए। बाकी देखते हैं, जॉस बटलर है, संजू सैमसन है, 2 ऑप्शन आपको पास मिलने वाले हैं, और इनमें से ये मान के चलो अभी पूरे बताता हूं आपको, ठीक है। क्विंटन डिकॉक है, KL राहुल है और निकोलस पुरन, 5 प्लेयर आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। क्विंटन डिकॉक और KL राहुल का भाई ग्राउंड पे रिकॉर्ड प्लस हेड टू हेड में ठीक ठाक है, एवरेज है, और KL राहुल का तो सुपर है भाई, तो ये 2 प्लेयर आपके यहां से परफेक्ट निकल के आता है। निकोलस पुरन पर डाउट है फुल, अगर ये दोनों चले गए तो निकोलस पुरन मेरे हिसाब से फ्लॉप ही जाएगा, ज्यादा स्कोर कर नहीं पाएगा। यहां से आ जाओ जॉस बटलर, संजू सैमसन। जॉस बटलर का ना भाई हेड टू हेड मार के थोड़ा सा मामला खराब हो जाता, अभी ये JSK वगैरह कुछ खेल रहा था वहां पर भी कुछ खास फॉर्म में नहीं था, मगर IPL में आते पता नहीं क्या हो जाता है, इसको रन ताबड़तोड़ करने लगता है। तो उस सिचुएशन में ये दोनों को तो मैक्सिमम टीम्स पे रखा रखूंगा। बटलर को 50% टीम्स में रख सकते हो और 50% टीम्स में ड्रॉप कर सकते हो, यानी 50% टीम्स आप जॉस बटलर, क्विंटन डिकॉक, KL राहुल के साथ बनाना, और 50% टीम KL राहुल और क्विंटन डिकॉक के साथ बनाना, बस सिंपल सी बात। संजू सैमसन को सजेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा, बहुत कम ना के बराबर, अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अब आ जाओ बैटिंग सेक्शन से कि बैटिंग में से कौन सा कैसे रहने वाला, भाई 5-6 ऑप्शन आपको देखने वाले हैं, मगर इन 6 में से कामयाब कौन से होंगे। देखो जयसवाल, हेटमेयर, रमन पवल, 3 आपको तगड़े हिटर हैं भी। यहां से बात करें पटिकल है, दीपक हुड्डा है और यहां पर बदोनी है। अगर यहां पर जयसवाल को रख रहे हो तो हेटमेयर को मत रखना, हेटमेयर को रखो तो यहां पर जयसवाल को मत रखना, इस तरह की ट्रिक जरूर यूज करना, क्योंकि इनके पास भी टॉप ऑर्डर में भी अगर चलता है जॉस बटलर हो गया, सिमिलर हेटमेयर क्या नाम होगा जयसवाल हो गया, तो मे बी ये बीच के फ्लॉप जाए, ठीक है। तो यहां से आप बाकी यहां से पटिकल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि इसका भाई हेड टू हेड ग्राउंड जबरदस्त है। बाकी दीपक हुड्डा, बडोनी को सजेस्ट नहीं करूंगा, बाकी इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये वही वाले प्लेयर होते हैं जिनको 10 बॉल मिल जाए 10 बॉल में 30 मार जाए 35 मार जाए और पता चले जल्दी भी निकल जाए या फिर बैटिंग भी ना आए, तो इस तरह के प्लेयर्स होते हैं। आप डिफेंसिव पिक के तौर पर यूज करना चाहते हो कर सकते हो, पर जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो जयसवाल और पटिकल और सिमरन हेटमेयर, ये 3 प्लेयर आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे, इनमें से अपने टीम्स में रोटेट जरूर करना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन कि ऑलराउंडर में से कौन सा प्लेयर कैसे लेना है। उससे पहले गाइस आप लोग अभी भी अपना हेड टू हेड 3 मेंबर का इन्वेस्टमेंट अगर अदर एप्लीकेशन पर कर रहे हो तो भाई बंद कर दो, रिसेंट में फैंटेसी फील्ड में भाई विजन लोन पर उतर जाओ, जबरदस्त स्टेप है, एंट्री फीस बहुत कम है, फ्री गिवअवेज आपको मिलने वाले, ग्रैंड लीग के ज्यादा चांसेस आपको, ड्रीम इलेवन से ज्यादा आपको यहाँ पे मिलने वाले,
तो काफी कुछ है विद इन सेकंड आपके अकाउंट में पैसा है, ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ पर रेफरल कोड चंद 123 जरूर यूज करना, 500 रुपीज का वेलकम बोनस भी आपको मिल जाएगा। चलिए तो ऑल ऑर्डर भैया कौन कौन से रहने वाले हैं भाई, देखो आर अश्विन है, बाकी यहाँ पे रियान प्राग है, जैसे स्पिन को मदद है, और अश्विन आपका एक बैटिंग ऑप्शन भी है, ध्यान रखना बैटिंग से भी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देखे जाएगा, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पिक रहेगा कल के मैच में। यहाँ से कृणाल पांड्या है, स्टोनी से कृणाल पांड्या को भाई विकेट ही नहीं मिलती है, पता नहीं क्या कहानी है, भगवान जाने, अब लेना चाहते हो ले सकते हो डिफेंसिव पिक के तौर पर, बट बैटिंग से आपको कुछ वैल्यू दे सकता है, ठीक है। बाकी जैसे इनका टॉप ऑर्डर जबरदस्त है भाई, उस हिसाब से मैं भी इसकी बैटिंग में ना आए, अगर आए तो 10-15 रन के लिए, अगर विकेट नहीं मिली तो फिर प्लेयर फ्लॉप, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां से कृणाल पांड्या या फिर रवि बिश्नोई, दोनों में से एक को ही ट्राई करना, दो ट्राई मत करना। मार्केट से स्टनिस ओवरऑल आपके लिए अच्छा प्लेयर रहेगा, क्योंकि बैट प्लस बॉल दोनों को ऑप्शन है और आपको वैल्यू देके जरूर जाएगा। तो यहां से एक और एक दो दो प्लेयर आपके जबरदस्त निकल के आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से, जो स्मॉल लीग वाले हैं थोड़ा सा डरते हैं, वो भैया कृणाल पांड्या को लेके चलना। अब आ जाओ बॉलिंग सेक्शन से, कि बॉलिंग से कौन सा कैसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 7 ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहां भी ट्रेंट बोल्ट है, चहल है, आवेश खान है, संदीप शर्मा है, प्लस यहां से बात करा नवीन उल हक है, यश ठाकुर और रवि बिश्नोई, बिश्नोई की मैंने ट्रिक आपको बता दी है, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट भाई ये मान के चलो एक विकेट तो बंदे को शायद मिल ही जाएगी, बाकी चहल जिस हिसाब से ग्राउंड है उस हिसाब से आपको इस ग्राउंड पे मेरे हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है। कुछ टीम से ड्रॉप करके ना कुछ टीम में लेके चलना, आवेश खान को सजेस्ट नहीं करूंगा, बाकी संदीप शर्मा है, अगर टीम पहले बॉलिंग करती है तो अपनी टीम में ऐसे मतलब प्लेयर के तौर पर रख सकते हो अपनी टीम में, अगर पहले बॉलिंग करती है तो, बाद में बॉलिंग पे आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। नवीन उल्हक ट्राई करना चाहो कर सकते हो ट्रिक के साथ, हालांकि अभी रिसेंट में कुछ अपनी सीरीज खेल गया वहां पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, बट यहां पर थोड़ा सा डाउटफुल है। यश ठाकुर आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक हो सकता है इस मैच में, क्योंकि इसका रिकॉर्ड जबरदस्त है भाई, ठीक है। तो ये थे भैया चारों सेक्शन, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर, कुछ मिस हुआ तो भाई कमेंट कर देना, नहीं तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन जाकर टॉस के बाद अपडेट्स वगैरह टेलीग्राम पर आपको मिलेगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। अब आ जाओ इस मैच के लिए फिक्स प्लेयर, कौन सा प्लेयर है जो फिक्स की लिस्ट में आ सकते हैं, बाकी अगर आप चाहो तो इनमें से एक आध बाहर कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बाकी जो 10 ग्रैंडी की टीम देने वाला हूं वो इस मैच में पॉसिबल नहीं, क्योंकि डबल हेडर मैचेस में पॉसिबल नहीं हो पाती, सेकंड जो मैच है उसकी देने की कोशिश कर सकता हूं, उस मैच के आपको 10 ग्रैंडी की टीम प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये देखो जयसवाल फिक्स लिस्ट में आ सकता है, सातवां आपका अश्विन, यहां से बात करें चहल, ये तीन प्लेयर है राजस्थान रॉयल की तरफ से जो फिक्स लिस्ट में आने वाले हैं। यहां से बात करें पटिकल है, स्टोनी सा और यश ठाकुर है जो हमारे फिक्स की लिस्ट में आ सकते हैं इस मैच में, ठीक है। अब देखो भाई ये ट्रंप कार्ड, भाई ये चीजें 99% तक वर्क कर सकती है, मैच के बाद आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यस वाले वो प्लेयर है जिनको रखने हैं, ये वो ट्रंप कार्ड होते हैं जिनकी चॉइस कम होती है मगर परफॉर्म करने के चांसेस हाई होते हैं। नो वाले वो है जिनके परफॉर्म जितने हाई सिलेक्शन परसेंटेज है उतने हाई फ्लॉप के भी चांस बनते हैं, ठीक है। यहां से देखो एस बोले तो आपका सिमरन हेटमेयर राजस्थान से, एस बोले तो आपका संदीप शर्मा, ठीक है, बहुत कम चॉइस है ना के बराबर। यहां से बात करें तो डीपी बोले तो पटिकल, बहुत कम लोग ले रहे हैं। साथ में आपका जेबी बोले तो आपका जेबी पटिकल ना, सॉरी ये तो उधर चला गया, पटिकल वाईटी बोले तो आपका यश ठाकुर, यानी यहां से वो प्लेयर है जो आपको जिनकी परसेंटेज बहुत लोग मिलने वाली है और आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब ये वो प्लेयर है जिनको ड्रॉप करने का रिस्क लेना है। सबसे पहले यहां से बात करें एसएस बोले तो संजू सैमसन, और यहां से दूसरा जेबी बोले तो आपका जेबी जोस बटलर, ठीक है, एक साथ है तो थोड़ा डाउटफुल हो गया। संजू सैमसन, जोस बटलर दोनों से मैंने आपको बताया ट्रिक के साथ। यहां से बात करें एनपी और आरबी, एनपी बोले तो निकोलस पुरन और आरबी बोले तो रवि बिश्नोई, ये थोड़ा सा डाउटफुल रहेंगे, इनकी परसेंटेज भी बहुत हाई रहने वाली है। रवि बिश्नोई को ट्रिक के साथ जैसे मैंने बताया उस हिसाब से यूज कर सकते हो। तो भाई ये थे चारों सेक्शन कंप्लीट कर दिए, क्या नाम है जो आपके फिक्स प्लेयर रहने वाले, ट्रंप कार्ड रहने वाले, पिच का सारा माहौल, यानी जितना भी आपको ड्रीम लेवल की एक ड्रीम टीम बनाने के लिए मैटेरियल चाहिए मेरे हिसाब से हो चुका है। अगर कुछ मिस हुआ तो भाई कमेंट कर देना, नहीं तो वीडियो को पता ही आपको लाइक कर देना। चलिए अब बात करता है फाइनली कैप्टन वाइस कैप्टन, भाई कैप्टन वाइस कैप्टन आपके पास कहां से इस लिस्ट में आने वाले हैं। भाई देखो इस मैच में आपको यहां से भी लिस्ट मिलने वाली है एज ए कैप्टन ग्रैंडी की टीम में, जॉस बटलर नंबर 1 चॉइस बनती है, क्विंटन डिकॉक नंबर 2 और साथ में आपका केएल राहुल नंबर 3, ये तीन प्लेयर ऐसे निकल के आते हैं जो आपको कैप्टन की लिस्ट में आने चाहिए। जिस टीम को जितवा रहे हो उस टीम में उसको कैप्टन ट्राई कर देना, बात खत्म। यहां से बात करें यशस्वी जयसवाल फुल कैप्टन का कंटेंडर है,
दीपक पटिगल को सजेस्ट नहीं करूंगा, घुटा हो गया, बड़ोबे हो गया, ज्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं। आर वसीन अगर स्पेशल टीम पहले बैटिंग करती है तो कैप्टन जरूर ट्राई करना। कुणाल पांड्या स्टॉइनिस ज्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं, ठीक है। बाकी स्टॉइनिस को अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो आप उस हिसाब से कैप्टन ट्राई कर सकते हो। यहां से बात करें चहल और दूसरा आपका कोई मतलब बनता नहीं है, तीसरा है सुकुमार, यानी चहल एक प्लेयर है मात्र यहां से जिसको अपनी टीम में एज ए कैप्टन जा सकते हो। तो टोटल भाई अगर ज्यादा मल्टीपल टीम्स के साथ जाओगे तो बड़े प्यार से सारी चीजें कवर कर लोगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, जरा सा भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ग्रैंड लीग की 10 टीम जो हम देते हैं उसके लिए भैया हमारा दूसरा चैनल पार्क फैंटेसी ज्वाइन कर लो, यहाँ पे भी आपको टीम्स प्रोवाइड हो जाती है। बाकी विजन अब तक डाउनलोड नहीं किया हो तो भाई कर लेना, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, साथ पर रेफर कोड चंदोडी यूज करोगे 500 रुपीज का वेलकम बोनस मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों टॉस के बाद, देखते हैं क्या होता है इस मैच में। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।